हेलो एवरीवन आज हम बात करेंगे आज जो बीएससी एस सेकेंड ईयर का बीएससी एस सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो जुलॉजी का पेपर हुआ है जो पेपर का नाम है हमारा माइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी उसी का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इज़ नोन एज तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं तो पहला जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी सेकेंड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड आर एन ए तो जो आर एन ए है उसको हमारा हमारे साइंटिस्ट साइमल बी वेस एंड जेराड हार्ट विड्स ने डिस्कवर्स किया था तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए थर्ड क्वेश्चन पूछा है हमारा व्हाट इज वर्क ऑफ सिग्मा फैक्टर इन ट्रांसक्रिप्शन तो जो सिग्मा फैक्टर होता है उसका जो वर्क होता है वो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का होता है तो, तो जो थर्ड का आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फोर्थ क्वेश्चन है द इंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज तो जो हमारी इंजाइम होती है वो आर एन ए पालीमरेज जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है ट्रांसक्रिप्शन में तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी डी एन ए टू एम आर एन ए सिक्स क्वेश्चन है पोर्शन ऑफ जीन विच इज ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड इज तो जो हमारा इंट्रॉन होता है वो ट्रांसक्राइब्ड होता है बट नॉट ट्रांसलेट होता है तो ऑप्शन सिक्स का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा वाट इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉली पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम एम आर एन ए नॉन एच तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं एट क्वेश्चन है, है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कोड़ान तो जो ए यू जी होता है वो हमारा इनिशिएशन कोड़ान होता है तो एट का जो करेक्ट आंसर होगा वो अब होगा ऑप्शन नंबर बी नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा इनिशिएशन फैक्टर्स आर जो इनिशियसन इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं वो सालबल प्रोटीन्स होते हैं तो जो नाइन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी टेंथ क्वेश्चन है हमारा कोड इज तो जो जेंटिक कोड होता है वो होता है दिसक्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन यम आर एन ए मालिक्यूल दैट कोड फॉर अ प्रोटीन इट इज अ ट्रिपलेट कोडान भी होता है इज नॉन ओवरलैपिंग ये भी होता है तो इसका जो टेन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आलाफ दीज एलेवेंथ क्वेश्चन है ट्रांसलेशन इज दी तो जो ट्रांसलेशन होता है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एम आर एन ए टेम्पलेट तो जो इलेवन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेल्व क्वेश्चन है हमारा ट आर वाट आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट हाई स्पीड सेंट्रीफ्यू तो जो स्पीड एंड टेम्परेचर होता है वो अफेक्ट करता है हाई स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यू को तो ट्वेल्व का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी थर्टीन क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट और सर्टेन एरियाज दैट कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आई तो इसका जो थर्टीन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हो हमारा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोस्कोपी फोर्टीन क्वेश्चन है हमारा माइक्रोस्कोपी इज रिस्पांसिबल फॉर डिटेल्ड इमेजिंग ऑफ सब सेलुलर ऑर्गेन लाइक न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम इस क्वेश्चन में पूछा है जो आ, कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप है जो डिटेल स्टडी करवाता है जो सब ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि न्यूक्लियस हुआ राइबोसोम हुआ क्रोमोसोम्स हुआ तो जो फोर्टीन का जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो इन सब की स्टडी करवाता है तो जो फोर्टीन का कर, करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फिफ्टीन क्वेश्चन हमारा है हमारा माइक्रोस्कोप दैट यूज लाइट रेस टू प्रोड्यूस अ डार्क इमेज अ ब्राइट बैकग्राउंड इज नोन एज इसको हम फेज कंटेस्ट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन है हमारा माइक्रोस्कोप यूजेस अ सिंगल लेंस फॉर मैग्निफिकेशन तो जो सिंगल लेंस के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं तो सिक्सटीन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेवनटीन क्वेश्चन है हमारा माइक्रोस्कोप प्रोवाइड डिटेल्ड थ्री इमेज तो कौन सा माइक्रोस्कोप सेवेंटीन क्वेश्चन में पूछा है कौन सा माइक्रोस्कोप हो चाहे जो थ्री इमेज देता है तो जो हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो थ्री इमेज प्रोवाइड करता है तो सेवनटीन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एटीन क्वेश्चन है हमारा द मेटल यूज इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज तो जो हमारा टंगस्टन होता है वो यूज होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो एटीन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नाइन्टीन क्वेश्चन है हमारा दी मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप इज जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है तो इसलिए जो नाइनटीन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ट्वेंटी क्वेश्चन है हमारा वाट वाट इज कॉल्ड सेंट्रीफिगेशन तो जो सेपरेश सेपरेटेड uh, uh, जो हमारा सेपरेटेड थ्रू स्पाइनिंग होता है उसको हम सेंट्रिफिगेशन कहते हैं तो जो ट्वेंटी का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो क्वेश्चन है हमारा सेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ला जो सेंटिफिकेशन होता है वो हमारा स्टोक्स ला पे बेस्ड होता है तो ट्वेंटी वन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी टू इन सेंट्रिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट यूज जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सेंट्रिफिकेशन में नहीं यूज किया जाता है इसलिए ट्वेंटी टू का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल मेथड दैट इज यूज टू सेपरेट एंड एनालिसिस जो हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है तो जो ट्वेंटी थ्री का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन पूछा है इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज हेल्ड इन नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेज फोर्स थ्रू इन थ्रू इट्स अंडर प्रेशर तो जो हमारा कालम क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें जो क्रो जो स्टेशनरी फेज होता है वो हेल्ड होता है नेगरि ट्यूब में एंड जो मोबाइल फेज होता है वो फोर्स फोर्स्ड होता है प्रेशर के द्वारा तो इसका जो ट्वेंटी फोर का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है हमारा थिन लेयर टोग्राफी इज जो थिन लेयर क्रमेटोग्राफी होता है वो एक टाइप का एबजॉपन क्रोमेटोग्राफी होता है तो जो ट्वेंटी फाइव का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है हमारा बियर्स ला स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम तो जो ट्वेंटी सिक्स का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन पूछा है ट्रांसलेशन अकर्स इन जो ट्रांसलेशन होता है हमारा वो न्यू वो साइटोप्लाज्म पाया जाता है साइटोप्लाज होता है तो इसलिए जो ट्वेंटी सेवन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी एट क्वेश्चन है हमारा मेथड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल रेदर देन सिंपली आइडेंटिफाई और स्पीसीज और ट्रेड तो इसको हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन है हमारा द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रोसेस और टेक्निक वाज इन्वेंटेड वाई तो इसको अलेक्स जेफ्री ने किया था तो जो ट्वेंटी नाइन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी थर्टी क्वेश्चन है हमारा यू करिएटिक जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड एट आर दालोइंग एक्सेप्ट तो इसका जो हमको लगता है करेक्ट आंसर होना चाहिए ट्रांसलेशन इसमें बस थोड़ा सा डाउट है एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्टी वन <coughs> विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी बायोलॉजिक सिंपल फॉर डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग तो जो हम डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग होता है उसमें हम ब्लड को भी ले लेते हैं हेयर को भी ले लेते हैं स्लाइबा को भी ले लेते हैं तो जो थर्टी वन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द इच थर्टी टू क्वेश्चन है हमारा कैप कैप इच तो जो कैप होता है वो हमारा कैप का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे तो थर्टी टू का जो कैप कैप है सी ए पी वो उसको कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन भी कहते हैं जो थर्टी टू का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए थर्टी थ्री क्वेश्चन पूछा है नेचुरल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ पैथोजन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ तो इसमें जो होता है वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का रोल होता है तो इसलिए जो थर्टी थ्री का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो होगा ऑप्शन नंबर ए थर्टी फोर क्वेश्चन है हमारा द टेक्नोलॉजी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्रोक्रोनल एंटीबॉडी इसको हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं जो तो थर्टी फोर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी थर्टी फाइव क्वेश्चन है हमारा वेयर डजा रिस्प्रेशर बाइंड एट ऑपरान तो ऑपरेटर पे बाइंड करता है तो थर्टी फाइव का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थर्टी सेवन है विच इज़ नॉट अप्लिकेशन ऑफ एलिसा तो जो हमारा डिटेक्शन आप हेपेटाइटिस बी होता है मार्कर इन सीरम वो वो अप्लीकेशन नहीं है एलिशा का तो थर्टी सेवन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए थर्टी सॉरी थर्टी सिक्स का ऑप्शन नंबर ए होगा अब आते हैं थर्टी सेवन पर मालिकुलर मार्कर्स इंक्लूड तो जो मालिकुलर मार्कर्स होते हैं वो आर एफ एल पी भी होता है आर ए पी डी भी होता है एफ एल पी भी होता है और ये सब होते हैं तो थर्टी सेवन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आलाबदीच थर्टी एट क्वेश्चन है जेंटिक कोड कंसिस्ट ऑफ जो जेंटिक कोड होता है वो हमेशा थ्री लेटर्स का होता है तो इसीलिए हम थर्टी इसीलिए जो थर्टी एट का जो ऑप्शन करेक्ट वो वो होगा ऑप्शन नंबर बी थर्टी नाइन क्वेश्चन पूछा है अ फोटोग्राफ विच इज़ टेकन फ्रॉम अ माइक्रोस्कोप स्कॉयर तो इसको हम माइक्रोग्राफ करते हैं तो थर्टी नाइन का जो करेक्ट आंसर वो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फोर्टी है दी वर्किंग प्रिंसिपल इन अ लाइट माइक्रोस्कोप इज यूजिंग तो जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो हमेशा विजिबल लाइट को लेता है तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर फोर्टी का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो होगा बी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय